तो देश कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री केयर फंड की सरकारी ऑडिट कराई जाए। कोरोना संकट से जूझ रही जनता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि देश से भाग चुके चोरों के 68,000 करोड़ माफ करते हुए उसका भी हिसाब होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए यह मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है और राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100-100 रुपए पीएम केयर के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित हो रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसमें दोनों जनता और सरकार की भलाई है।